हाँ जानकी नगर का है तो कोठिया ही दे गांव को नाम सबरे प्रूफ बदले जाएंगे फिर कौन कहाँ डोलेंगे हम भगे भगे मारे मारे। मेरी विधायक जी के बड़े अनन्य विधायक जी जाते फिर कोई ना जो तक वोट दे जो तक हाथ जोड़ते फिर ना कोई बात पूछत कहाँ मर रहे कहाँ जी रहे हमारी कोठिया सब नीचे पड़ी भाई है हमें बहुन जैसे लगाऊंग बहू के बालक भाई ऑपरेशन। एक बार ज्यादा जोर से बोलो जय श्री राम। और होना चाहिए गांव का ना 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 ये जानकी भैया जो हाथ जोड़ लू जय भैया। आखिर कहाँ तक सच्चाई ये खेल मैदान है राधे कृष्ण राधे कृष्ण का है ये खेल मैदान है। राम 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 आप भी बच्चों की बातों में नहीं बच्चों की बताइए कीचड़ भरे हुए तो कीचड़ है तो समाधान करो इसको बनाएगी जभी तो भाई समाधान राधे कृष्ण नहीं समाधान करो इसको जभी तो कीचड़ जाएगी इसकी। माता आप कैसी बात कर रही हैं और बच्चों के साथ बच्चा बनती जा रही हैं। लो ये बच्चों ने मैं पाली हूँ या मैंने बच्चे पाले हाँ तो मैं तभी तो कह रहा हूँ आप कीचड़ भरे खेत को बता रही हैं खेल के मैदान ये मुझे कदा भी यकीन नहीं हो रहा ये घरन में मतलब खेत आ जाएगा ये खेल मैदान है सरकारी। हाँ सत्य बात है स्कूलों को कोई नाम ना ले रही दो साल है गई और दो साल थे कोई हिसाब किताब कछु ना है तू साइपर में फूट गया के साथ और बन गो और जा गांव को कोई नाम ही ना है। बालक मत जाएंगे नाम चेंज है वो गांव को तो कौन मरेगा जो पढ़े लिखे बालक मत जाएंगे कैसे हमारे अंगूठा टेको कछु ना रहो बाकी हम मारी यहाँ नाम धरे मोदी की पार्टी है बस सब जो दे रहे हैं ये विधायक जो दिया वो मोदी की तरफ से ही हुए ना कि विधायक जी को करेगा स्पष्ट कर दिया स्पष्ट है बिल्कुल मोदी जी का ठप्पा है तब तक विधायक है समझ लीजिए विधायक जी उसका साथ सबका विकास सबको साथ ना हमारा तो बिल्कुल सत्यानाश हम तो ऐसे ही सहमे और ऐसे ही महामे हर हर योगी घर घर योगी। जब एक बात बताओ तीजे निकलेगी जब फूफाए फिर दोस्तों साथियों नमस्कार मैं हूं आपका स्वतंत्र फोटो जर्नलिस्ट मनोज अलीगढ़ी। अभी पिछले दिनों जो प्रकरण बड़ा हाईलाइट हो रहा है समाचार पत्रों पे हो या सोशल मीडिया में हो बहुत तेज़ी से बूम पर है जिस तरीके से मंडराक का नाम बदलकर श्री राम नगर रखने की बात थी ठीक उसी प्रकार से गांव है जिसका नाम है कोठिया जो सासनी रोड पर है अलीगढ़ से लगभग 15-16 किलोमीटर की दूरी पर और वहाँ के ग्रामीण खड़े हुए मेरे साथ में ये सभी मौजूद लोग हैं यहाँ पर सभी जाति धर्म के लोग हैं कोई ऊंच नीच की सीमा और बाधाएं नहीं है वहाँ पर इनसे बात करते हैं आखिर इस गांव का नाम परिवर्तन क्या हो रहा है और अगर हो भी रहा है तो इनको क्या समस्या है। चाचा क्या नाम है आपका? चलो वीरपाल सिंह तोमर। वीरपाल सिंह तोमर साहब सब तोमर नहीं लगाएंगे तो आपका अनर्थ हो जाएगा। अच्छा हाँ जरूरी है तो तोमर साहब इस गांव का क्या नाम है? कोठिया। कोठिया और होने क्या जा रहा है? अब जानकी नगर है यार ना बाबा। तो बड़ी अच्छा है प्रसन्न होना चाहिए। अच्छा कहाँ से आया? नहीं, माता सीता का नाम अच्छा कहाँ से आया? हमारे पूर्वजों की हमारी जो सब संपत्ति पे सब पे जो है ऐसा हमारा नाम है हमारे पूर्वज जो इसी से जाने जाते हैं हम भी जाने जाते हैं चाचा को मतलब क्या है कि दूसरा नाम है जाए कितना होगा जिस सारे डॉक्यूमेंट्स बने हैं इनमें क्या परिवर्तन होगा? एक एक आदमी को 10,000 रुपये का खर्चा होगा और परिवर्तन से 10,000 का क्या आशय है? अरे 10,000 भाड़े में रोल लगेगा जाएंगे वहाँ लौटेंगे जाएंगे लौटेंगे। अरे नहीं मात्र 5 रुपए का तो टिकट है अलीगढ़ का। कौन के तो 5 रुपए सासनी की प्राइवेट बस में 25 रुपए भैंसे भैंसे आपको फ्री में उतार रहा हूँ 25 रुपए को है। अच्छा हाँ तो नाम परिवर्तन होगा? बिल्कुल ना होगा 5-50 रुपए में नाम बदलता है आधार कार्ड 5-50 ना 10,000 रुपए लगेंगे रोजीना जाएंगे कहा को दादा मरे को आज भाई छुट्टी है आज माँ पहुँचे के बंदे आज माँ सेंटर पे जाओ भैया कल बनेगा फिर वहाँ पहुँचेंगे तो दूसरे दिन बतावा नवोदय पे जाओ नवोदय पे जाने से माटिया भैया आज आए ही ना आए दूसरे दिन आएंगे वहाँ भीड़ लग गई तो 12 न के है गए 65 रह गए माटिया तीसरे दिन जाएंगे फिर वहाँ 6 न के कर दे ऐसे परिवर्तन चलता रहा पैसा कितना खर्च होगा। तोमर साहब क्या प्रैक्टिकल बात करी है आपने तालियां किसी ने बता रखा है आपने ये बताने का बात हो हमसे बीती भई है बीती हुई है। एक आधार कार्ड बनवाने के लिए हमको 11 दिन जाना पड़ा फिर भी आधार कार्ड नहीं बना। भगवान श्री राम के लिए इतना भी नहीं कर सकते का करे अब राम के वहाँ तो कोठी ही बढ़िया है राम के लिए तो अयोध्या बहुत तेरी है। साथियों श्रीलंका पूरी जला दी पूरी श्रीलंका जला दी हजारों सैकड़ों सैनिक मर गए ना जाने कितने बानरों का अंत हो गया और अगर आपको माता का नाम मिल रहा है तो क्या आपत्ति है?
बात कछुना भैया, बहुत प्रॉब्लम आवेगी हमारे सामने, हम इससे राजी नहीं है नाम बदलने से, सीधी हाँ बहुत ऊंची परेशानी आएगी जिसका हम पिछले में भुगत चुने हैं भैया, हम नाम बदलने से एग्री नहीं है। मुझे लगता है आप बीजेपी के धुर विरोधी लग रहे हैं, लेकिन कंधे पे तो आपका भाजपा का निशान है। बिल्कुल भाजपा का निशान है, लेकिन हम एग्री नहीं है भाई। मुझे लगता है आप नीला झंडा हाथी निशान। नहीं नहीं कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं, बीजेपी के प्योर कट्टर नेता हैं हम। नेता है, बिल्कुल कार्यकर्ता है, बिल्कुल कार्यकर्ता मान ले कुछ भी मान ले। तो अगर नेता है तो इसका मतलब आपकी साजिश है नाम। नहीं 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 बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं एग्री नहीं है भाई नाम बदल। क्या माननीय विधायक, ये जनता को इतनी ऊंची प्रॉब्लम आ जाएगी जिसका कोई परमाना नहीं है भाई। बहुत पैसा खर्च होगा, हम गरीब हुए हैं अमीर हुए हैं कैसे क्या करेंगे। संस्था पे जाते हैं लौट के आ जाते हैं, कोई कामयाब नहीं मिलती है तो ग्राम में तो बहुत परेशानी दिक्कत आएगी। इसलिए हम बिल्कुल एग्री नहीं है, बिल्कुल एग्री नहीं है, बिल्कुल एग्री नहीं है। विधायक जी नाराज हो गए तो पता है आप? अरे नाराजी वो बिल्कुल नहीं होंगे, क्या मतलब है नाराजी को भाई, नाराज हो जाएंगे। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, नाराज क्यों होंगे, हम बीजेपी के हैं लेकिन हम नाम से बहुत एग्री नहीं है, बिल्कुल भी एग्री नहीं है हम। बीजेपी को कहने का मतलब है मतभेद नहीं है, मनभेद चल रहा है। नाम परिवर्तन, नाम परिवर्तन हम नहीं एग्री, हम राजी नहीं है बिल्कुल भाई। ऐसा तो नहीं है रखूंगा सबको खुशी और दूंगा नहीं बट्टी की भूसी? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, ऐसा ही लगता। अरे ऐसा नहीं होता, ये पूरा गांव बीजेपी का है भाई, पूरा पूरा गांव बीजेपी। इसीलिए आप इस कलर के भगवे रंग के बिल्कुल बिल्कुल है और रहेगा। कहाँ जा रहे हैं महोदय? ये सत्संग है। सत्संग किसका सत्संग? ये रामचरितमानस से सत्संग। वाह भगवान राम हर जगह, रामचंद्र की जय, हर जगह भगवान राम। हाँ, भगवान और माता जानकी से भयभीत? बहुत, कोई भयभीत नहीं है लेकिन परेशानी से भयभीत है कि जनता के सामने बहुत। श्री राधे श्री राधे। अरे साहब विधायक जी स्पेशल कैंप लगवा परिवर्तन के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। जनता से लेकर दिल्ली तक सत्ता आपकी है, बिल्कुल है लेकिन एग्री नहीं है भाई, जनता एग्री नहीं है बिल्कुल। चलिए जी जी चचा, बड़े मुस्कुराते हुए शर्माते हुए अंदाज में खड़े हुए, क्या कहें? देखिए ये गांव हमारे पूर्वजों के नाम से, केहरी सिंह बाबा के नाम से बसाया गया, आज से 300 साल पुराना ये हमारा गांव का बाबा का नाम है, उसे हम क्यों बदल देने। और जानकी जी से हम प्यार करते हैं लेकिन जानकी जी तो नाम बदलने से थोड़ी आएंगे, हृदय में निवास करने वाली जानकी जी। वाह पूरा प्रवचन का सार समाया हुआ है, इसलिए मैं सबका सम्मान करते हुए कहता हूँ हमारे माता जानकी का नाम रख दिया जाए, कोठिया रहने दिया जाए। जाने तो लग रहा था प्यार करते श्री राम से भी प्यार करते, मुझे लग रहा था सत्संग में जा रहे हैं तो माता जानकी के नाम पर तुरंत ही मोहर। बिल्कुल जा रहे हैं, माता जानकी श्री राम के नाम पर रहते सुबह से शाम तक, पूरा गाँव रहता है हमारा, गाँव रहता है लेकिन नाम बदलने के नाम पर नहीं है। चाचा क्या नाम है आपका? मेरा वीरेंद्र सिंह तोमर। तोमर साहब जी, ये किसी ने भेंट दिया है आपको? बिल्कुल भेंट दिया हुआ है श्री राधे एक नहीं बहुत है ऐसे, इसीलिए धारण करके घूम रहे हैं, एक नहीं बहुत है बाबू जी ऐसे हमारे पास में। तो सत्संग में भगवान श्री राम की लीला के बारे में सुना होगा, समझा होगा, बिल्कुल उत्तम आत्मसार भी किया होगा, बिल्कुल। लेकिन माता जानकी से? माता जानकी से द्वेष नहीं है कोई हमें, लेकिन हम पूर्वजों के नाम पर मरेंगे मर मिटेंगे। तोमरों की बस्ती है ये, केहरी सिंह बाबा कितने बड़े थे, उन्होंने आके ये गांव बसाया था हमारा, क्यों बदल दिया जाए? राम तो है ही हैं, वो तो सबके हैं। इस गांव में मुट्ठी भर लोग रहते हैं अब, और माता और भगवान राम का तो हर तरफ बोलबाला है, बोलबाला है, तो क्यों ना नाम हो जाए? वो तो सबके हृदय में निवास करने वाली है माता राम जानकी, तो उनसे क्यों कोई विरोध करेगा, कोई विरोध नहीं करता, कोई नहीं है। विरोध केवल अपने गांव के नाम के बदलने से है, जो बाबा का नाम है वही रहना चाहिए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अच्छा एक बात और पूछना चाहता हूँ, आप काफी लेट हो रहे हैं, मैं क्षमा चाहता हूँ। पूछिए। सवाल इतना सा है कि 2024 का इलेक्शन आ रहा है, हाँ। तो क्या इस नाराजगी का दुष्प्रभाव पड़ेगा सरकार पर? कुछ नहीं, तो समय बता ना, देखो समय के अनुसार सब काम होता है, दुष्प्रभाव न पड़ना चाहिए। केवल हम तो एक मोदी के जातिवाद हैं, मोदी की पार्टी है, बस सब जो दे रहे हैं ये विधायक जो दिया वो मोदी की तरफ से ही हुए, न कि विधायक जी को करेगा, स्पष्ट कर दिया, स्पष्ट है बिल्कुल। मोदी जी का ठप्पा है तब तक विधायक है, समझ लीजिए विधायक जी। उसके बाद आगे राम जाने क्या होगा, जाने जाने। जिस तरीके से भगवान राम श्री राम नगर का नाम हो रहा है वैसे ही भगवान राम जानेंगे। युवाओं की टोली खड़ी हुई है, अरे भाई सब क्यों भाग रहे हैं बताइए जी? नहीं गाँव नहीं चेंज होना चाहिए, क्यों नहीं चेंज होना चाहिए? नहीं नहीं
रामचरितमानस तो सुना ही होगा, हाँ। रामायण के बारे में सुना होगा, महाभारत के बारे में, हाँ। सुना होगा, और यकीनन माता जानकी के बारे में भी। तो माता जानकी के चक्कर में कितने लोग हताहत हो गए, राजपाट चले गए, सही बात। और आपका अगर नाम मिल रहा है माता जानकी के नाम से, हाँ। तो आपको इतनी नाराजगी क्यों हो रही है महोदय? नहीं नहीं, गाँव का नाम चेंज नहीं होगा, सब कुछ हो जाएगा। हाँ, सब कुछ हो। वोट देंगे? वोट देंगे बीजेपी को। बीजेपी को। जिला पंचायत जिताएंगे? बीजेपी को। बीजेपी को। अभी जो इलेक्ट चेयरमैन जिताएंगे? बीजेपी का। प्रधान भी? प्रधान कैसे हो जाएगा अभी? एक बात कर, हाँ हाँ ठीक है ठीक। गाँव का नाम? कोठिया। मुझे लग रहा था जानकी के नाम से। नहीं नहीं नहीं, वैसे मेरी बुआ का भी नाम जानकी था। अच्छा अच्छा, प्यार रख लो भाई नाम। हाँ सही बात, क्या दिक्कत है? नहीं नहीं, कोठी रहेगा, कोठिया ही रहेगा। देखिए पुरुषों की तो बात बड़ी तेज है, गुस्से में है, कुछ माताएं खड़ी हुई हैं। अरे माता कहाँ चल दी आप? देखिए महिला सम्मान की बात चल रही है, है? माता माता के सम्मान की बात है, और आप कहाँ भाग रही हैं? क्या नाम है आपका? सुमन। सुमन जी, बहू हो यहाँ की, बेटी हो? बहू है। क्या साल हो गई आप? 19 साल हो गई। 19 वर्ष हो गए। जब तुम्हारे पिता यहाँ पर आए थे शादी की बात करने, तो क्या कहकर बताया था आपको, कहाँ शादी होगी? कोठिया में। तो कोठिया से अब नाम बड़ा अजीब सा लग रहा है, कोठिया। तो अगर नाम चेंज हो जाए तो अच्छा? तो चेंज होना था तो ये तो पहले ही हो जाता, अब क्यों हो रहा है? हाँ वही तो हम आपसे पूछ रहे हैं। तो हम भी तो यही बात कह रहे हैं, मेरी शादी के लिए 19 साल हो गई, ठीक है ना, और ये मेरे से पहले की आई हुई है। ये दफा 302 है, इधर आ जाइए जी। क्या नाम है आपका? हाँ बता दो बता दो बता दो। हाँ तो इनके सामने क्यों ना हुआ, हमारे सामने क्यों है? और फिर ये छोटे छोटे बच्चा है, आगे के लिए फिर और कोई नाम चेंज होगा, इधर यहाँ में कितनी परेशानी होगी। अच्छा एक बराबर में स्कूल देखा है मैंने, हाँ। इसकी दीवार टूटी हुई है, हाँ। क्या कहना चाहती है? ये मेरा ही मकान है, यहाँ पे ये अगर भीत गिरेगी तो दो चार बच्चे दबेंगे इसमें, और मेरी दुकान भी है, दुकान में भीड़ भाड़ रहती है, काफी बार कह दिया लेकिन इसकी कोई वो नहीं है, स्कूल का कोई ध्यान नहीं है, पर गांव का नाम बदलने की बात चल रही है। नहीं नहीं नहीं, हाँ सत्य बात है, स्कूलों को कोई नाम ना ले रहे, हाँ। 2 साल है गई, और 2 साल थे कोई हिसाब किताब कछु ना हुई, साइपर में फूट गया के साथ और बन गो, और जा गाँव को कोई नाम ही ना है, और नाम वोट नकू बदल बेगू सब आ जाता है, लेकिन कोई कर बे काज कोई कछु ना मत, नाम बदलवा लो, काय बदलवा ले, ना बदलवा रे, ना बदलवांगे, नाम नहीं बदला जाएगा, हमारी बालक बच्चे लगी, हमारे खेती की, हमारे कागज लगी, हमारी सब की मट्टी खराब हो, हमारा कौन करे व्यवहार, कोई जरूरत ना है, भर रहे हैं, और फिर अब इन्हें नाम बदलवाएंगे तो पैसा कहाँ से आएंगे? है रोज कमाए खाए बारे में एक बालक भी बीमार पड़ जाता है, एडवांस लागे नहीं, जब हमें इलाज कराना पड़ता है, नाम बदलवा भी हम पैसा कहाँ से लाएंगे? हमारे कागज बदलवा दे, हमारे पूरे कागज, हाँ और का नाम, अरे गांव नाम कागज पत्र हमारे बालक के सब खराब होगी, क्या होगा? अरे माता जी मुझसे बात कर लो, आपस में लड़ती रहना तुम, एक एक लाख रुपए खाते में डाल दो, जो कि काई के कागज बदले जाएंगे तो वहां कोई परेशानी ना आएगी, कैसे करें? इस बात को इधर देख के बोल, पैसा कहाँ से ला के नहीं हम बदलवाएंगे कागज, नहीं ये बताओ, हमारे रोज बेलदारी बजाते 350 रुपए लाते हैं कमा के, हैं? हमारे साथ में खवातीन है इस गांव की, गांव कोठिया की खवातीन हमारे साथ हैं, हम उनसे बात करते हैं। जी मोहतरमा, ये भीड़ लगी हुई है, क्या मामला है? मैं नासल नहीं भैया कछु, अरे गांव का नाम माता जानकी के नाम से बदला जा रहा है, हमारा गांव तो कोठिया ही है। नहीं कोठिया तो है और था, लेकिन बदल सकता है अब ना, बदल लो, क्यों बदल रहा है? नहीं सरकार लिखित में दे रही है, लेखन दे रही है तो दिन दे, जो नाम तो सब नाम है। राजू, राजू भाई अभी मैं बात कर रहा था किसी बुजुर्ग से, आप बीच में कुछ कहना चाह रहे थे, बताइए क्या कह रहे थे? अरे जी बालक मत जाएंगे, नाम चेंज है वो काम को, तो कौन मरेगा जी? पढ़े लिखे बालक मत जाएंगे, कैसे हमारे अंगूठा टेको का चुना है रो, बाकी हमारी यहाँ नाम धरे हुए किसकी, जो विधायक है या सरकार है, बाकी हमारी यहाँ, अरे माता जानकी के नाम पर, अरे जानकी जी तो आती है, जानकी जी को औलाद है सब, जो बेसिया खूब बिगड़ा जानकी के आएगा, जो सरकार है जो बिगड़ जानकी के पैदा है गई, तो जब को बताएंगे ये बताएंगे, जब मालूम पड़ेगी साथ जानकी है, जानकी जी है, बताओ अच्छा लगेगा, अरे कैसी ये बालक मत जाएंगे पढ़े लिखे, अरे कैसे मरेंगे बच्चे, बुरे के तो बालक मर रहे, कैसे मरेंगे भाई, उन्हें तो बालक पढ़ा लेना, उन्हें तो पैसा में खिलाने वाला, उन्हें तो पैसा में खेलना है, गरीब बालक मत जाएंगे सब,
तो चलिए युवाओं से बात करते हैं। हाँ मेरे भाई जी, क्या कह रहे हैं कि आप इनकी बात से कहाँ तक सहमत? ये जो कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि बच्चे हमारे नौजवान मर जाएंगे, कैसे मरेंगे नाम पर? वो बात आपकी सही है, ये भी बोल रहे हैं जो सही बोल रहे हैं। पहले आप ये बताइए, विधायक जी के पास में पहुंचेगी तो मेरा कहना विधायक जी से ये है कि आज तो बीजेपी चाह रही है वो प्रत्येक, सुनिए प्रत्येक विरोध की, सुनिए मेरी बात सुनिए, विधायक जी नहीं उनकी पूरी सत्ता मेरे पहले अफसरान तक, मेरी पहले बात सुनिए। आज तो बीजेपी चाह रही है पूरे दिन, सबके दिमाग में बीजेपी है ठीक, और आज ये सरकार का कहना कुछ नहीं है, ये अपने मन से विधायक जी कर रहे हैं कि मेरे पूर्वजों का, जितने मेरे पूर्वज हैं उनका नाम होना चाहिए ठीक। तो क्या जानकी उनके किसी परिवारी का नाम? उनकी अम्मा जी का नाम है जानकी। क्यों नहीं पता है? हमारे यहाँ के विधायक हैं, सब पता है। तो आपको ज़्यादा जानकारी? और उसके बाद ये मेरा भाई छोटा आज इसकी BSc हो गई, ये नौकरी देखेगा, 6 महीने ट्रेनिंग देगा, वो करेगा तैयारी, और 6 महीने फिर कागज अपने सेट कराएगा। काय की तैयारी करेंगे? काय कोई भी पूछना चाहिए, जैसे ये भर्ती देख रहा है, फौज की, फौज की भर्ती देख रहा है, 4 साल की नौकरी, 4 साल की तो नौकरी रह गई, अपने मन से विधायक सरकार ने कर दिया भाई, सब पे गाड़ी है यार। सरकार ने अपने मन से 4 साल की नौकरी कर दी ठीक, 4 साल की नौकरी रह गई, 6 महीने कागज सेट कराएगा, 6 महीने अपनी ट्रेनिंग करेगा, जब जाके नौकरी देखेगा उसकी तो नौकरी गई। ये जानकी नगर करने से फायदा क्या है? हम वही तो आपसे पूछने आए हैं। नहीं तो आप बताइए, क्योंकि आप राम भक्त हैं, राम की अगर अर्धांगनी का माता का नाम अगर हो जाए तो आपत्ति क्या? अच्छा, कोठिया नाम होने से, या दाऊद खान गांव का नाम है ठीक है, या अलीगढ़ है, ये बोल रहे हैं कि ये मुस्लिम नाम पर हैं, उनमें हिंदू नहीं ले रहे, वो राम का नाम नहीं ले रहे, उसका नाम हरिगढ़ होने जा रहा है। नहीं, पहले उसका नाम हरिगढ़ कर दें, आप शौक शौक से जानकी नहीं कुछ और रख लेना, उसका नाम हरिगढ़ कर दें, क्यों निकल जाएगा। आज ये विधायक बीजेपी के हैं, कल बसपा के आएंगे, बसपा के अपना नाम रखेंगे, यही काम चलता रहेगा फिर तो, फिर हर 5 साल बाद, हर 6 साल बाद, और गांव के नाम चेंज होते रहें। अगर जिसकी लाठी उसकी भैंस, आपने आपत्ति लगाने का प्रयास किया उस पर भी देख करेंगे अपना, मतलब विरोध का शुरू, विरोध है हमारा पक्का, विरोध है, विरोध कर रहे हैं, पूरा विरोध है, लिखित में भी वैसे भी हर तरीके से विरोध है। नाम आपका? विकास कुमार चौहान। विकास चौहान साहब जी, भाई साहब क्या कह रहे थे? जी सर, मैं नाम थोड़ा सा पहले, कुलदीप तोमर जी। तोमर साहब जी बताइए, क्या कहना चाह रहे हैं आप नाम विरोध पर? ये विरोध है या? हाँ जी बिल्कुल विरोध है, नाम बदलने से क्या, ये बताओ भाई, सरकार आपकी मत आपने दिया, ऐसा हमारी भी तो कोई पर्सनल आस्था जुड़ी हुई है, हमारे ये बाबा के नाम पे हमारा गाँव, ये तो उसी नाम पे रहना चाहिए कि नहीं? और ये नाम वाम से बदलने से क्या है, विकास की तरफ भी देखना चाहिए। स्कूल की दीवार टूटी हुई है, आप दिखाइए ना ये चीज़, आप ही तो दिखा सकते हो। और हमें तो यानी कि पहले कोई मीटिंग करके पता चलता तो भी पता चलता, 2 दिन से हमें ये नाम के बारे में पता चला है, ये नाली देखिए ना, दिखाइए ना, मतलब कोई सूचना नहीं दी। अरे मेरी तो सुनो, नाम की तो किसी को गांव में, पूरे गांव में नहीं पता है, प्रपोजल दिया जाता है कि हम नाम बदल ले भाई, बताइए। हाँ तो कोई मीटिंग करे पता तो चलना चाहिए कि हाँ भाई ये गांव के 50-40 लोग होंगे मीटिंग में, कोई नहीं गया है गांव में, अगर ये बात होती तो आप और सर्वे करके देख लीजिए और पता चल जाएगा। इसके बाद आप ये नाली भी देख लीजिए, विकास की तरफ इशारा करिए ना, नाम से क्या ये बताइए, काम से होना चाहिए काम, नाम से काम नहीं होता ना सर, बिल्कुल बात काम से काम होगा। मैं तो इसलिए आया था, एक अगर आधार कार्ड मेरी सुनो, अगर छोटी सी कमी हो तो 50 रुपये ले लेते हैं वो, और गांव में कितना पैसा व्यर्थ जाएगा, ये पैसा पैसा की तो बर्बादी है, ये गांव का नाम बदलवाना, इसका नाम बदलवाना, उसका नाम बदलवाना, गरीब आदमी है, मजदूर आदमी है, रोज दिन रोज पैसे करते कमाते हैं, परेशानी नहीं होती उनको? अभी चेयरमैन का इलेक्शन आ रहा है, ऐसे में क्या रुख रहेगा आप? देखो आगे क्या हो, मैं वही तो पूछ रहा हूँ, मैं भी अभी हमें गांव में ही नहीं पता चल रहा है सर क्या हो रहा है अभी, मतलब अभी तो हमें तो 2 दिन पहले अभी ये पता चला है कि नाम बदलने वाला है, उससे पहले भी नहीं पता क्या हो रहा है। अच्छा, वो आपके जरिए पता चला है तो मडराक, यही कोई मडराक वाली बात पता थी, मडराक वाली यहाँ 2-4 दिन पहले पता थी, वो तो काफी अपने गाँव की पता नहीं थी, विरोध और प्रदर्शन हुआ था। हाँ तो यहाँ भी होगा, हमारी भी तो कुछ आस्था जुड़ी हुई, हमारे बाबा के नाम पे हमारा गाँव। हाँ जी माता जी, हमें ना राजी नहीं है, हम राजी ना हैं, हम तो यही राजी है, हमारा काम जहाँ हत का वो ही होना चाहिए, हमें दूसरा काम ना चाहिए, जो नया कछु है रो ना कर रो, नाम दुनिया भर को बना रखो है कि जो कर देगा न्यू लगा दो न्यू लगा दो, कोई कहूँ कछु है रो ना गाँव में, कछु है रो ना, 2 साल तो स्कूलों की कोई सुनवाई नहीं है, मेरे घर में है कि नहीं है, रोड कर रो है, बालक स्कूलों में के मेरे घर में है कि जा रहे हैं, घर में है कि आ रहे हैं, जो कोई कछु तरीका तो उतना काम है भी, पत्राचार नहीं करा, लिखित में शिकायत भैया हम जानते ही ना है, अनपढ़ है आदमी हमारा है नहीं है, बच्चा है वो पे
अब मैं कागज बागज इतने भरे कहाँ बल दूँ, कहाँ जाऊँ मैं, पास पैसे मेरे है नहीं है, कहाँ जाएंगे हम बताओ तुम। चलिए ठीक है, वृद्ध माता ने बिल्कुल पूरी बात अच्छे से बताई कि यहाँ पर काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है लोगों को। हाँ भाई, मेरे भाई कौन से हीरो की कटिंग है जी? इमरान हाशमी। इमरान हाशमी, वाह बहुत बढ़िया। तो कोठिया का नाम चेंज हो रहा है पता है? हाँ, कल ही पता पड़ी, कल ही लगी है पता। किसने बताया, विधायक जी ना? कल मीडिया वाले आए जो लोग आए थे। हाँ, तो अब क्या हो रहा है, गुस्से में हैं आप लोग या अच्छा लग रहा है? पहली बात तो मैं गांव के कई इंसान है, पता ही नहीं के गांव को नाम चेंज है रो। और दूसरी बात, गांव को नाम चेंज कर रहे हैं, पहले तो जब विकास है देख ले मैं। कौन सा विकास है? अरे जाय देख, मेरा एक दोस्त था, मेरा दोस्त था, वो मैंने पूछा भाई विकास से मुलाकात हुई, बोला गुरु 8 साल पहले मिला था और मेले में घुस गया, आज तक नहीं मिला विकास। आखिर कहाँ गया, वो ढूंढ रहा है विकास को। बोरा विकास, बोरा विकास। हाँ, चलिए वो विकास है, उसको ढूंढने चलते हैं अभी हम लोग। विकास की आखिर कहाँ है विकास? ये रहा विकास, आप देख सकते हैं ये खेल मैदान है, और खेल मैदान में बालक का हिसाब से खेल है। अरे यार मेरे भाई, तुम लट पड़वाओगे क्या ग्रामीणों का मेरे ऊपर? किसी के प्लॉट में घुसेड़ रहे हो, हमें पिटाई कराओगे हमारी? अरे प्लॉट ना है जी, खेल मैदान है, सरकारी जगह, सरकारी जगह है जी। नमस्ते विधायक जी, देखिए आपने, देखो कितना अच्छा मैदान दिया है खेलने के लिए, देखिए। क्या बात करते हो, विधायक जी ने बताया खेल मैदान? हाँ जी, खेल मैदान है, सरकारी जगह है जी, खेल मैदान के लिए, छोटे छोटे बच्चों के लिए, छोटे छोटे बच्चों के लिए, बड़े बड़े तक के लिए। लगता है यहाँ पर बड़ी सुगंधित वायु बह रही हो। हाँ देखिए, बहुत बड़ी वायु है यहाँ पर, बड़ा साफ सुथरा दूर तक मैदान नजर आ रहा है, लगता है ऐसा। एक बार घुस कर देख ले, विधायक जी ने भेज दो, जाने घुसवा दो। हाँ मेरे भाई जी, हाँ जी, आप ये बच्चा बता रहा है, मुझे लगता है ये बच्चा अबोध है, इसको जानकारी नहीं है, बताइए खेल का मैदान बता रहा है जी। ये खेल मैदान है, और कम से कम विधायक जी के पास में इसकी 50 अर्जियां हैं। 50 अर्जी? हाँ। मैं आपकी बात का कतई विश्वास नहीं करूंगा। नहीं नहीं, मुझे लगता है आप दूसरी पार्टी के। ये मैं दूसरी, ये मैं माता जी से बात करूंगा। दूसरी पार्टी को कोई मतलब नहीं है, इसकी तो बहुत एप्लीकेशन जा चुकी, कोई सुनी नहीं रहा। जानकी, आप क्यों नाराज हो रहे? क्या नाम है आपका? नेमबती। नेमबती? हाँ। नेमबती जी, हाँ। जो कुछ छोटे छोटे मुमुक्षु बच्चे हैं, हाँ। इन्हें ज्ञान नहीं है कुछ, हाँ। ये इस कीचड़ भरे मैदान को बता रहे हैं खेल का मैदान। नहीं तो खेल मैदान, आखिर कहाँ तक सच्चाई? ये खेल मैदान है, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण काय किया, ये खेल मैदान है। राम राम राम, आप भी बच्चों की बातों में नहीं, बच्चों की बताइए, कीचड़ भरे हुए तो कीचड़ है, तो समाधान करो इसको। समाधान किसने? राधे कृष्ण, नहीं समाधान करो इसको, जब तो कीचड़ जाएगी इसकी। माता आप कैसी बात कर रही हैं, बच्चों के साथ बच्चा बनती जा रही हैं। लो ये बच्चों ने मैं पाली हूँ या मैंने बच्चे पाले? हाँ तो मैं तभी तो कह रहा हूँ, आप कीचड़ भरे खेत को बता रही हैं खेल का मैदान, ये मुझे यकीन नहीं हो रहा। ये घर में मतलब खेत आ जाएगा, ये खेल मैदान है सरकारी। मुझे आपकी बातों से भी, नीली साड़ी पहने हुई हैं आप, मुझे बू आ रही है, कहीं आप बसपा में तुम्हारी सातर सोच रहा हूँ। हमारे बीच में एक वृद्ध खड़े हुए हैं। हाँ, चाचा क्या नाम है आपका? मेरा देवेंद्र कुमार। चाचा मुझे लगता है इस गांव में बहुत से बसपा के लोग हैं। हाँ, बसपा के भी, नीली साड़ी पहनकर घूम रहे हैं, बसपा के भी है, बीजेपी के है, सपा के भी है, सब तरह के। तो मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, क्या ये जो खेत है, मैं अपने साथी से कहूंगा, ये खेल मैदान है? ओह, खेल मैदान है ये, मुझे लगता है पूरा गांव एक सुर में बोलेगा। बताइए कीचड़ भरे हमारे घरों के सामने कीचड़ हो रही, तो हम नहीं कहेंगे तो और कौन? श्री राधे, मतलब आप डर कर कह रहे हैं? क्यों कहेंगे, डर के क्यों कहेंगे, हमें सामने दिखाई दे रहा है। किसका प्लॉट है ये? प्लॉट गवर्नमेंट का, खेल मैदान है ये, खेल मैदान, आश्चर्य होता है। और माता जानकी के नाम से गाँव का नाम डाला जा रहा है, पूरा सर्वांगीण विकास हो। ये तो बीजेपी की चाल है सब, कुछ बीजेपी की चाल। कहा विकास कुछ करना नहीं है, सिर्फ नाम बदलना है देश का। आप मेरे फैटी के आदमी निकले, किस पार्टी के हैं? मैं तो किसी का नहीं हूँ, और सबके हैं। क्या जो अच्छा करे उसके? बसपा से हैं? ना बसपा से, ना बीजेपी से, ना किसी से नहीं है, जो काम करेगा हमारा हम उसके। क्या आप लोकदल से हैं? किसी से नहीं है हम। क्या आप साइकिल की सवारी पर? किसी से भी नहीं है। तो यकीनन बीजेपी में होंगे? किसी में भी नहीं है, मतलब बीजेपी से मोह भंग हो गया। हाँ, जब ये देख लो ना क्या हो रहा,
देख सकते हैं बीजेपी के जो कार्यकर्ता थे, वॉलंटियर्स थे, वो इतने भयभीत हो चुके हैं कि बीजेपी का नाम बताने में भी भय लग रहा है। और हमारे सामने कुछ वृद्ध माताएं खड़ी हुई हैं। आप जहां जाएंगे हम वहीं तक पीछे चलेंगे आपके। जी क्या कह रही हैं? गुट टॉफी खा रही हैं क्या मुँह में? ना खा रही टॉफी ना खा रही। तो क्यों भाग रही हैं पीछे? गुटखा खा रही हैं? ना भैया गुटखा ना खा रही, ना ना टॉफी खा रही, ना गुटखा खा रही, कुछ ना खा रही। घूंघट की आड़ में वृद्धों की लिहाज कर रही हैं। बिल्कुल बड़ी अच्छी बात है, ये भारत की सभ्यता है। तो माता जी इस गांव का नाम बदला जा रहा है। अच्छा, जानकी नगर। जानकी श्री राम की धर्म पत्नी थी जिनका नाम था माता जानकी। बहुत बहुत बढ़िया, अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। अरे वाह वाह, कमाल कर दिया आपने। मतलब कोयले की खान में आकर हीरा मिल ही गया। सब पाइप टूटे पड़े, ये पानी इतना बेकार जा रहा है, कहीं जा रहा है। माता जानकी के नाम पर सब कुछ निछावर है। माता जानकी कोई नाली ना, कोई खरंजा ना, दुनिया का कीचड़ भरा भरा है। जब आदमी चौमासे में लेकर भी ना सके, जने जने अधिकारी बने, गंदगी की वजह से ही, क्या गंदगी की वजह से एक साल के पड़े हैं खाट में। एक साल ऑपरेशन भयो सो मच्छर फच्छर अंते बहुत परेशान है। मिलो और ने कहा कछु तो हो जाए, मैं कछु तो हो जाए, गंदगी की वजह से मच्छर बीमार पड़े हैं एक साल से। माता चाहे प्राणों की आहुति देनी पड़े भगवान श्री राम के लिए, सब कुछ निछावर। देखो जन का होगा, गांव को नाम ना बदल पाएंगे, कोठी ही रहेगा। अब देख सकते हैं किस तरीके जो युवा गुस्से में चढ़ा हुआ है। हमारे गांव का नाम रोटिया ही रहेगा। ये फिल्म सोने का दृश्य मुझे याद आ रहा है। साथियों मैं ऊपर जाने की कोशिश करता हूँ। मेरे भाई मेरे भाई तुम ऐसा मत करो, मैं विधायक जी से बात करूंगा। देख सकते हैं आप किस तरीके से युवाओं में गुस्सा है। अरे मेरे भाई नीचे उतर आओ। रामवीर तोमर। तोमर जी गांव में पूरे में विरोध हो रहा है, आखिर आप शांत चित्त क्यों खड़े हुए? शांत चित्त नहीं खड़े सर, अभी तक विधायक जी जाना आए नहीं, उन्होंने बोला नहीं, किसी से पूछा, क्या अपनी मनमर्जी हुई, या जनता ने उन्हें विधायक बनाया कि वो अपने आप विधायक बने? देखिए आपने जिम्मेदारी दे दी, अब वो जो अच्छा होगा वही करेंगे आपके विकास के लिए। विकास क्या, किस चीज का विकास हो रहा है? गांव का नाम परिवर्तन होकर भगवान श्री राम और माता जानकी बाई के नाम से। वो हमारा कोठिया गांव ही ठीक है, क्या वो फ्री में तो करवाएंगे नहीं डॉक्यूमेंट्स वगैरह ने चेंज? क्या करवाएंगे? सत्ताधारी पार्टी के लोग हैं वो, कुछ नहीं कराएंगे, जनता परेशान होगी। जो हमारा गाँव का नाम है वही गाँव का नाम रहना चाहिए, नहीं तो विकास तो हो नहीं रहा है गाँव के अंदर। बात ये है विधायक जी अब के तो बन गए, अब तो बन नहीं पाएंगे, उन्होंने नाम चेंज करा, बन नहीं पाएंगे। हमारे गांव से, हमारे गांव से जो जहां जहां के जो गांव के नाम चेंज हो रहे हैं वो सब वहाँ से बन नहीं पाएंगे। जो सिरकटा की जो मौत आती है ना वो गांव की तरफ भागता है। सिरकटा? कौन सिरकटा? गीदड़। गीदड़ जी शहर की तरफ नहीं भागता है, वो गाँव की तरफ भागता, उल्टा भाग रहा है। अब विधायक जी को पता है आखिर में हमको इसी जनता से हमको विधायक बनना है, और इसी जनता विरोध कर रही है फिर भी अपन मन मर्जी कर रहे हैं। तो देख सकते हैं हमारे पीछे कई ग्रामीण छुपे बैठे हैं, कुछ खवातीन हैं, कुछ हजरात हैं, कुछ लोग हैं, और यहाँ पर देख सकते हैं कुछ लोग शांत चित्त बैठे हुए हैं। क्या ये पंचायत चल रही है या सब धरना पे बैठे हैं हुए हम हैं? चाचा वाह, अगर मैं मास्टर होता तो नंबर 100 में से 100 देता। चलिए बात करते हैं चाचा से। चाचा क्या नाम है? ठाकुर गुलाब सिंह तोमर। ठाकुर गुलाब सिंह तोमर। प्रदेश में ठाकुरों की सरकार है, बीजेपी की माननीय योगी जी की, और गांव का नाम परिवर्तन हो रहा है, कितनी खुशी की बात है। माता ना ना है अभी का है अभी तो कछु ना हैरो ना हैरो नाम बदलिए, को नाम तो बेकार हैरो भैया। श्री राधे। चाचा सरकार है हर तरफ भगवा श्री राम हो रहा है, और गांव का नाम माता जानकी के नाम से, कितना सुंदर मौका है। जानकी नाम ना जा कोठिया के सबरे बैंक में जाओ, फलाने में जाओ, तो आधार कार्ड सबरे ने लेके डोलेंगे भाजे भैया जा दादा हाथ जोड़ रहे हैं, तो भैया जा काम मत करो, हमारे बस की कछु ना है दादा, हमारे बस की ना है दादा जी काम, कोठिया तो कोठिया ही है, कोठिया तो कोठिया। हाँ माता से भय समझती। हाँ जी कोठिया तो कोठिया ही रहेगा।
आन गांव के 100 कोठिया के 9 काय में तास में ना तास में हर चीज खाने में पीने में रहने में करने में नहीं लड़ाई नहीं भैया लड़ाई ना भी लड़ाई हम कौन सी लड़ेंगे। चलिए चाचा से बात करते हैं हम लोग। वृद्ध चाचा हमारे साथ हैं। चाचा क्या अब ये भैया जान की जान जो होने से जान पर दुनिया भागना पड़ेगा। हम किसान लोग परेशान होंगे। परेशान बदलवाओ बैंक बदलवाओ तहसील बदलवाओ आधार कार्ड बदलवाओ। अभी आपने कहा क्या नाम बदलने से दुनिया में भागना पड़ेगा। हाँ, ये तो अच्छी हाँ, बात है। मोदी भी भाग रहे पूरे देश। मोदी जी हमारा काम मोदी जी का यहाँ तो भैया अगर एक बोझ देखो फसल भी मारी गई सूख गई धान सूख गई धान भान में सबन में काम चूसा लग गो तो काम में कीड़ा लग गो तो सूख गई सबरी क्या सूख गई तोरी तोरी लौकी लौकी तोरी तो गई थोड़ी खाओ और बॉडी बनाओ बनो खाओ सूख गई पेट गड़ा दी तो कहाँ तो भगवान श्री राम का हर तरफ हल्ला है। जय श्री राम। तो बोल रहे हैं राम तो कोई बोलना पड़ेगा भाई। हम भगवान एक बार चाचा जोर से बोलो जय श्री राम। और होना चाहिए गांव का ना 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 ये जानकी भैया जो हाथ जोड़ लू जय भैया हिदन हिदन बसाओ पहले हिदन जानकी भैया है एकदम बसाओ पहले। आप क्या करते हैं चाचा? मैं ही खेत बैठे हो कोई काम ना होता। मैं तुम्हें एक काम बता रहा हूँ। ठीक है तुम्हें एक काम बता दूँ बड़ी जू मैं तो अली काम बता दूँ। अलीगढ़ जाना डेंटल कॉलेज में नकली दांत लग जाएंगे तुम्हारी हवा जो उड़ रही है वो रुक जाए। अब मरे भी आ रहे हो कहाँ लगवाएंगे दांत लगवाएंगे भैया ये काय काय में दांत लगवाएंगे दांतन की जन्म सबका साथ सबका विकास सबको साथ ना हमारा तो बिल्कुल सत्यानाश हम तो ऐसे ही सहमे और ऐसे ही महामे हर हर योगी घर घर योगी। जब एक बात बताओ तीजा निकलेंगे जब फूफाए फिर भैया जब तीजे निकलेंगे और फूफा आए तो फिर ये चाचा काफी भारी मन से कुछ वैसी बातें कर रहे हैं। कल्लन खा साहब हाँ जी गाँव का नाम बदलने की बात सुनी है कहाँ तक सच्चाई है? सच्चाई नहीं बिल्कुल बेकार है। तो गाँव का नाम बदलो जाए हमारे को अब कोठिया हो या जानकी नगर हो क्या फर्क पड़ता है? फर्क तो है तो बहुत फर्क पड़ जाए कल से मारे मारे देख सकते हैं। हाँ जानकी नगर का है तो कोठिया ही दे गांव को नाम सबरे प्रूफ बदले जाएंगे फिर कौन कहाँ डोलेंगे हम भगे भगे मारे मारे। मेरी विधायक जी के बड़े अनन्य दिखा जाते हैं फिर कोई ना जो तक वोट दे जो तक हाथ जोड़ते फिर ना कोई बात पूछत कहाँ मर रहे कहाँ जी रहे हमारी कोटिया सब नीचे परी भैया हमें बहू के जैसे लगाऊंगा बहू के बालक भाई ऑपरेशन।